नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आइए जानते हैं सिंचाई का उचित प्रबंधन कैसे किया जाए, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। तो फसलों को खाद और सही मिट्टी के साथ साथ पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ऐसे में अगर सही समय पर सही मात्रा में फसलों को पानी ना मिले तो फसल की उपज और उसकी गुणवत्ता में असर पड़ता है। फसलों को पानी समय पर वर्षा से तो मिल ही जाता है, लेकिन किसानों द्वारा सिंचाई से भी अलग से प्रबंधित किया जा सकता है। सिंचाई की वैज्ञानिक विधि बहुत ज़्यादा प्रचलित है आजकल, जैसे कि ड्रिप सिंचाई हो गई, बौछारी सिंचाई हो गई, लेकिन और कौन कौन सी सिंचाई की विधियाँ हैं आइए चर्चा करते हैं। इस तरह ही सिंचाई विधि, सिंचाई जल को भूमि के तल पर फैलाना तथा जल के अंतस्तरण का अवसर प्रदान करना सतही सिंचाई कहलाता है। बौछारी सिंचाई विधि, सिंचाई जल का वायुमंडल में छिड़काव करना तथा वर्षा की बूंदों की तरह भूमि और पौधों पर गिराने देना बौछारी सिंचाई कहलाता है। असभूमि सिंचाई, सिंचाई जल को सीधे पौधों की जड़ में पहुंचाना अवभूमि सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई के नाम से जाना जाता है। इस वैज्ञानिक विधियों के विषय में बहुत सारे किसान अभी भी जागरूक नहीं है, उनको जागरूकता फैलाना चाहिए। सतही सिंचाई में कौन कौन सी विधि आती है? बाडर सिंचाई, इसके अंतर्गत खेत में लंबाई में ढाल की दिशा और की ओर कई पट्टियों में विभाजित किया जाता है, जो कि मालवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। पानी के स्रोत को खेत में ऊंचे छोर पर रखा जाता है तथा बहाव हेतु पट्टियां ढाल की दिशा में बनाई जाती हैं। चेक बेसिन सिंचाई विधि, यह विधि भारी मृदा वाले क्षेत्रों में जहां इनफिल्ट्रेशन दर कम होती है और सिंचाई के पानी को अधिक दिन तक रोका जाना आवश्यक हो, यह विधि अधिक उपयुक्त है। यह विधि समतल भूमि के लिए अधिक उपयोगी है। इसका उपयोग खाद्यान्न एवं चारे की फसल की सिंचाई के लिए किया जाता है। बद्ध कुंड सिंचाई विधि, यह विधि लाइन में बोई जाने वाली फसलों जैसे कि मक्का, ज्वार, गन्ना, कपास, मूंगफली, आलू और सब्जी, इनके लिए ये सिंचाई उपयोगी है। इसके अंतर्गत कुंड में उपलब्ध जल से कुंड के बगल में रीट पर बोई गई फसलों को रिस नमी प्राप्त होती रहती है। सतही सिंचाई से हानियाँ, सतही सिंचाई में जल उपयोग कम हो जाता है। इस विधि में जल की काफ़ी मात्रा की हानि होती है और पोषक तत्व जो होते हैं वो बहने के ज़्यादा चांस होते हैं और जल भरा हो तो पौधे बिगड़ सकते हैं। बौछारी सिंचाई के लाभ, इस विधि से सिंचाई की नलियों एवं मेड़ों के बनाने एवं उनके रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। इससे भूमि एवं लागत की बचत होती है। नालियों से जल प्रवाह के समय होने वाली पानी की क्षति नहीं हो पाती। पानी के नियंत्रित प्रयोग के कारण सिंचाई दक्षता में वृद्धि होती है। इस विधि से सिंचाई में जल स्रोत से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की सिंचाई की जा सकती है। कम सिंचाई जल से अधिक सिंचाई की जा सकती है। ड्रिप सिंचाई विधि, यह बहुत ज़्यादा फेमस विधि है आजकल के ज़माने में। कोई ही किसान बाकी होगा जिसके पास ड्रिप ना हो, लेकिन कुछ कुछ किसानों के पास अभी भी नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर बता दिया जाए कि इस विधि के अंतर्गत स्रोत से नियंत्रित जल प्रवाह पाइप द्वारा प्रवाहित किया जाता है। इस पाइप में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, बूंद बूंद कर पानी पौधे की जड़ों में आसानी से टपकता रहता है। इसका उपयोग करके आप साग सब्जी, फूल, फलदार पेड़ की सिंचाई कर सकते हैं और बहुत कम पानी ये खर्च करता है। इस विधि से सिंचाई करने पर खरपतवार एवं रोगों को नियंत्रण करने में मदद मिलती है, क्योंकि जो खाली जगह होती है वो खाली पड़ी रहती है, वहाँ पर पानी नहीं तो खरपतवार भी नहीं। इससे आपको श्रमिक भी कम लगेंगे और पानी की भी कमी नहीं होगी। आपको सिंचाई करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है कि जल का कम से कम उपयोग किया जाए, जल का वितरण एक समान क्षेत्र में करें, भूमि किसी ऊपरी सतह से हानिकारक लवण सिंचाई द्वारा निचली सतह में चले जाएंगे जिससे पौधे पर हानिकारक प्रभाव को कम किया जा सकता है। सिंचाई की चुनी हुई विधि में से भू परिष्करण संबंधित क्रियाओं में कोई व्यवधान ना हो तथा खरपतवारों का नियंत्रण भी आसानी से हो सके। सिंचाई के लिए विन्यास तैयार करते समय कम से कम भूमि नष्ट हो, सिंचाई में प्रयुक्त पानी का कम से कम नुकसान हो तथा आसानी से जड़ क्षेत्र में पहुँच जाए, अधिक मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता भी न पड़े। चुनी गई विधि से अन्य क्रियाओं में कोई विशेष कठिनाई नहीं होनी चाहिए, यानी अगर आप ड्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए कि सतही सिंचाई में कमी आए, क्योंकि ड्रिप अगर खराब भी हो गई तो सतही सिंचाई चलती रहे, तो आपको ऐसा प्रयोग करते रहना चाहिए ताकि आप अधिक उपज ले सकते हैं। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। धन्यवाद।